उसको बहुत मारा, मोरो फाट डाल दिया, मुझको मार दिया कप्तान ने, मैंने कोई गलती नहीं किया है। अब एक ही दिन गोली मारेंगे, गोली मार देंगे, गोली मारेंगे, फाट डालेगा मुझको, गोली मारने के लिए कह रहा हूँ, गोली मारोगे विधायक को, गोली मारोगे। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। बीजेपी विधायक ने डीएम आवास पर जमीन पर लेटकर खूब बवाल काटा है। इस दौरान विधायक ने एसपी द्वारा गोली मारने और मारपीट की धमकी देने का आरोप लगाया है। यूपी के प्रतापगढ़ में बीजेपी विधायक धीरज ओझा ने ग्राम पंचायत चुनाव में इच्छुक एक शख्स का नाम मतदाता सूची में नहीं जोड़ा गया, इसके अलावा और भी कई आरोप लगाते हुए बीजेपी के विधायक धीरज ओझा ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ डीएम आवास के बाहर धरने पर बैठ गए। इस दौरान डीएम और एसपी चुनावी दौरे से वापस आए और तभी विधायक ने एक फटा कुर्ता निकाला और जमीन पर लेटकर हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू कर दिया। इस दौरान एसपी पर गोली मारने, धमकी देने का आरोप लगाया, मारपीट का भी आरोप लगाया है। बहरहाल विधायक का ये ड्रामा काफ़ी देर तक चलता रहा। जरा सोचिए, योगी राज में भी बीजेपी विधायक की सुनवाई नहीं हो रही है या फिर सिर्फ ये बवाल काटा जा रहा है। वहीं एसपी ने बताया कि विधायक को दुर्व्यवहार करने से मना किया गया तो वो झूठा आरोप लगा रहे हैं। एसपी आकाश तोमर ने कहा है कि इस प्रकरण में पुलिस का कुछ लेना देना यानी कोई भी संबंध नहीं है। विधायक द्वारा जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो पूरी तरह से गलत है। गोली मारोगे विधायक को, गोली मारोगे, हाथ डालेगा मुझको, गोली मारने के लिए कह रहा हूँ। मुझको बहुत मारा, मोरो फाट डाल दिया, मुझको मार दिया कप्तान ने, मैंने कोई गलती नहीं किया है।